सबको फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए, अब हम जल्दी से नॉवल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सीरत, ये तुम्हारे कपड़े हैं, फ्रेश हो लो और फिर तैयार हो जाना। आज पता है ना, अदन के ससुराल वाले आ रहे हैं और ये नाश्ता रखा है, जल्दी से फ्रेश होकर खा लो। उठ जाओ, शाबाश, आनिया उसको बोलती। जी मम्मा, हो जाऊंगी, आप फिक्र मत करें, सीरत अंगड़ाई लेते हुए बोलती और आनिया उसको देते मुस्कुराकर बाहर निकल गए थे। उफ, ये तो बहुत प्यारे कपड़े हैं, ऐसा लग रहा है फंक्शन अदन अप्पू का नहीं बल्कि मेरा हुआ हो, सीरत मुस्कुरा के साथ बोलती और फ्रेश होने चली गई थी। और फ्रेश होने के बाद आनिया का लाया हुआ नाश्ता किया था और तैयार होकर नीचे चले गए थे। वाह, आज तो पूरे घर में बड़ी तैयारियां हो रही हैं, आज क्या खास बात है? मामा, आनी, वो सामने खड़ी हुई आनिया और हया को बोलती जो कि किचन में मसरूर थी, आज तुम्हारी भी एंगेजमेंट है सुमान के साथ और ये सब बड़ों की रजामंदी से तय हुआ है। आनिया काम करते बोलती, सीरत को लगा कि उसके आगे अंधेरा छा रहा है, उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए शेल्फ का सहारा लिया था। पर मामा, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं है, सिरत अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोलते। आनिया और हया ने उसकी तरफ देखा था, जिसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो रोते हुए भाग गई थी और पीछे आनिया और हया एक दूसरे को देखती रह गई थी। घबराओ मत, मैं सब हैंडल कर लूंगी, प्लीज सिरत को फोर्स मत करना, तुम कुछ भी गलत नहीं होगा, हया आनिया के कंधों पर हाथ रखकर बोलती। आनिया बस बेबसी से उसको देखती रह गई थी। सीरत दौड़ते हुए हादी के कमरे में गई थी, जो कि ड्रेसिंग के सामने खड़ा पालू पर ब्रश कर रहा था। सीरत को देखकर उसकी तरह मुड़ा था, जो कि ब्लू कलर का फ्रॉक पहनकर बालू को खुला छोड़ते हुए रोती हुई आंखों से उसको देख रहे थे। आंखें और नाक रोने की वजह से लाल हो रही थी, सू सू करते हुए हादी की तरफ बढ़े थे। हादी, वो मामा, वो बोलते हुए रो दी थी और रोते हुए हादी के साथ लगी थी। प्लीज मामा को बोले कि मैं आपकी हूँ, कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता, हादी प्लीज़ बोले सबको, वो रोते हुए उसके कंधे को हिलाकर बोलती, जो कि सुन सब बस उसको देख रहा था। जाओ नीचे, तुम्हारी इंगेजमेंट है आज, शोर मत करना, जिस तरह सब बोलते हैं ना उसी तरह करो, उसके हाथों को जटरते हुए उसे दूर होकर बोलता। सीरत बेयकीनी से उसको देख रही थी, जिसने 2 मिनट में उसे हिजर की सजा सुना दी थी। आपने बोला था कि मैं आपकी हूँ, प्यार है आपको मुझसे, आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते हादी, मेरे दिल में जज्बात पैदा करके आप मुझसे खुद से दूर नहीं कर सकते। वो चीही थी, मुझे कोई प्यार नहीं है तुमसे, वो सिर्फ मैंने मजाक में कहा था, भूल जाओ वो सब और चुपचाप जो बड़े बोलते हैं ना वो करो, जाकर यहाँ से जाओ, हादी मुंह बनाकर उसे बोलता। हादी, आप झूठ बोल रहे हैं ना मुझसे, उसे दूर करने के लिए कह रहे हैं ना सब, है ना, ये सच है ना हादी? सिरत चीही थी, बकवास बंद करो, अपनी बहुत जुबान चलती है, दफा हो जाओ यहाँ से, बदतमीज बेबाक लड़की, तुम मुझ जैसी लड़कियों से नफरत है, हादी उसे बोलते हुए दिखा देकर वहां से चला गया था। और पीछे सीरत नीचे गिरी अपने हाथों को देख रही थी, वो वहीं पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। ठीक है हादी, जैसे आपकी मर्जी, वो अपने आंसू को साफ करते हुए उठी थी, उसकी आंखों में वीरानी थी। सीधा अपने मामा के पास गई थी, जो कि किचन की चेयर पर बैठी थी। मामा, मैं तैयार हूँ, जिस तरह आपकी और बाबा की मर्जी, सीरत बोलते हुए वहां से भाग गई थी। और पीछे आनिया सुन से उसको देख रही थी, जिसकी आंखें साफ रोने की चुगली कर रही थी। अंदर, मैं लाइब्रेरी में हूँ, तुम क्लास लेकर वहीं पर आ जाना। ओके, हरम अंदर को क्लास के बाहर छोड़ते बोलकर वहां से लाइब्रेरी की तरफ चलने लगे थे। हेलो लिटिल गर्ल, कैसी हो तुम? हरम लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसे वारस मिल गया था, जिसको देखते बोलता। हरम ने सर उठाकर उसको देखा था, जो उसके सामने खड़ा था, और हरम के चलने से उसकी तरफ देखते वो उल्टा चल रहा था। क्या तकलीफ है आपको, और आप हैं कौन, उसको देखते बोलते जिसको देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं वही हूं ना जो उस दिन रीस से हार गया था, और आप वहां पर लड़कियों में वहां खड़ी एक पहली लड़की थी जिसने मुझे सपोर्ट किया था, वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला था। अच्छा, तो तुम हो वो जो जिसको उस दिन कुट पड़ी थी, हरम अपने पंजाबी लहजे में उसको देते हुए बोलते, जिसने उसकी से कहकर लगाया था। यू आर सो क्यूट यार, और तुम्हारा ये पंजाबी लहजा तो बहुत ही प्यारा है, वो उसे देखते हुए हंस का बोला था। मेहरबानी, चले अब हो गई है मेरी तारीफ, तो निकल लो यहाँ से, हरम आईब्रो उठा उसको देते हुए बोलते, जिसने फिर से हंस दिया था। सामने खड़े हुए री ने वारस को हरम के साथ हंसते हुए देखा था और गुस्से से उसके माथे की रगे तन गए थे। हरम उसकी किसी बात से मुस्कुराते, वो दोनों डिपार्टमेंट के आहरी सिरे पर खड़े थे। वो हरम सिरे पर और उसके सामने खड़ा था, सर पर खड़ा हुआ री सब देख रहा था और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था, जो कि शायद वारस के किसी बात पर कहकर लगाते हुए अपने पेपर हाथ आकर हंसते जा रहे थे। हेलो गायस, किस पापा इतना हंसा जा रहा है, री हरम के सामने खड़ा होकर बोला था। हरम बिना कोई जवाब दिए जाने लगे थे, जबकि री ने उसकी कलाई थाम कर उसे जाने से रोक लिया था और उसे अपने रूबरू किया था। जान, अभी तक नाराज हो जो मेरे दुश्मन के साथ खड़ी होकर बातें करते हुए मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो, री हरम का हाथ पकड़कर एक एक लफ्ज चबाकर बोलता, और हरम हैरत से उसको देखने लगे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या बकवास है ये,
हरम अभी बोलती कि रियूस की कलाई थाम कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा था और पीछे वारिस बस को देखता जाता हुआ देखता ही रह गया था। हेलो हेलो गाइस, आप सब ने पूछा था ना कि मेरी स्पेशल वन कौन है, तो मैं बताने आया हूँ कि आज और आप सबको मिलाने के लिए लेकर आया हूँ अपनी न्यू गर्लफ्रेंड प्लस फैंसी से। री के बोलने से हरम को अपने पैरों से जान जाते हुए महसूस हुई थी। उसने अपनी कलाई को छुपाने की कोशिश की थी जिसको री ने नाकाम बना दिया था। वो गुस्से से उसको देखे थे जो इंग्लिश में सारे कॉलेज से बातें कर रहा था। उसकी बातों से हरम को सांस बंद हो रहा था। हरम शाह माई गर्लफ्रेंड प्लस फैंसी, री के बोलने पर हरम ने अपनी पूरी आंखें खोलकर उसको देखा था जो कि बकवास कर रहा था और अब उसके बालों में अपना मुंह दिए उनको महसूस कर रहा था। हरम उसकी हरकतों की वजह से परेशान सी उसे खुद से पीछा धकेला था और तभी हर तरफ शोर उठा था। हुर्रे, ग्राउंड में तालियां गूंजी थी और री ने हरम की तरफ देखा था जिसका हिसाब इस तरह था जैसे काटो तो जिसम में हूं ना हो। तभी वहां पर अमान आया था और गुस्से से री को देखा था और हरम की तरफ देखा था जो कि परेशान से खड़े। हो गई आपके बकवास, तो मैं ले जाऊं उसे, अमान गुस्से से री की तरफ देखता हुआ बोला था और हरम का हाथ उसके हाथ में ले लिया था जिसे री ने भी गुस्से से उसकी तरफ देखा था। हरम डर कर अमान के साथ लग गई थी और री ने गुस्से से हरम को देखा था जो कि अमान के साथ चिपकी हुई थी और अमान ने उसकी कलाई थाम रखी थी। हरम तुम बोलोगी अब, अमान ने उसकी कलाई थाम कर उसे आगे करते हुए हिम्मत दी थी और हरम ने अमान की तरफ देखा था जिसने उसे आंखों से इशारा किया था। आप सबके बॉक्सर री ने जो कुछ भी बोला है वो सब बकवास है और तो और मेरी किसी से और से अंगेजमेंट हो चुकी है और वो है अमान शाह। हरम अमान की तरफ इशारा करते बोलते जो पहले ही जानता था वो यही बोलेगी और दूर जाते हुए अंता ने भी सब सुना था और हरम की बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। वो भी अमान के साथ खड़ी हो गई थी। सलान ने अंता को देखा था जो कि मुस्कुरा कर हरम को देख रही थी। अंडल की नज़र जब सलार पर गई तो अंडल ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली थी। सलार को अंडल का नज़र फेरना गुस्सा दिला गया था। री ने गुस्से से हरम को देखा था जो कि हंस रही थी और अमान के साथ और अंडल के साथ और री को देखकर आंख मारती और हंसते हुए वहां से उनके साथ चली गई थी। तुम्हें तो मैं अपना बनाकर छोड़ूंगा मिस हरम, तुमने री के गुस्से को हवा दिया और जो मैं सोच लूँ वो पूरा करके रहता हूँ, जाती हुई हरम को देखते हुए बोलता और सारे ग्राउंड में अब खामोशी थी। हर कोई री से डरता था। वो हरम को जाता हुआ देखकर एक गुस्से की नगाह उस पर डालता हुआ वहां से चला गया था और सैलाब भी उसके पीछे भागा था। अमान यू आर माय स्वीट हार्ट, तुमने क्या एंट्री मारी है यार, मुंह तोड़ जवाब दिया है उस कमीने री को, हरम हंसते हुए उसके गल खींच कर बोलती। बदतमीज लड़की, और तुम जो हमेशा अमान को अपना फैंसी बोलती रहती हो, शर्म किया करो पागल लड़की, किसी दिन बाबा या छोटे बाबा को पता लग गया ना तो तुम्हारी है नहीं, अंजल मुस्कुराते हुए हरम से बोलते जो कि री की बेइज्जती पर हंस रही थी। अंजल अपो जानो, आपको पता है ना आप दोनों मेरे स्वीट हार्ट हो, लव जो, और आपके अलावा कौन बताएगा उनको, हरम अंडल के साथ लगते हुए बोलती और गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ गई थी। अंडल आगे बैठ गई थी और अमान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। बहुत ही बदतमीज हो गए थे तुम्हारा कजन री यार, उसको किसी की इज्जत की परवाह नहीं है क्या कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की की इज्जत को इस तरह से नीलाम कर रहा था, चीप इंसान कहेगा, अमान गाड़ी चलाते हुए गुस्से से बोलता। रिलैक्स बड़ो, सब ठीक हो जाएगा, दफा करो उसे, पीछे से हरम सिर के साथ टेक लगाकर बोलती। हर चीज को इतना लाइट मत दिया करो हरम, हर चीज मजाक थोड़ी होती है, जिंदगी को सीरियस लो और तुम दोनों सिर्फ अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ओके, अमान दोनों से बोला था। ओके ब्रो, वो दोनों एक साथ बोलती और हंसती थी। ब्रो अब आइसक्रीम खिला दो, अंडा के बोलने पर हरम भी हाँ मिलाया था। ओके ठीक है चलो अब आइसक्रीम खाने जाती हैं, बोलते हुए उनको लेकर गया था। याहू, दोनों ने एक साथ ही नारा लगाया था और हंसती थी। सीरत को आनिया लेकर आई थी, वो सबके दरमियान सोफे पर बैठी हुई थी। ये मेरे सामान की दुल्हन बनेगी, मिसेस असलम ने सीरत के साथ बड़ा प्यार देते हुए कहा था और फिर उसके हाथ में सामान के नाम की अंगूठी पहना दी थी। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी, बस एक वो ही नाखुश थी जिसकी जिंदगी की खुशियों के लिए सब मुबारकबाद दे रहे थे। अदम भी वहीं पर सबके सामने बैठी हुई थी, उसे नजर उठाकर सामने देखा था जहां पर सीरत चारों को नजरों को झुकाए हुए हाथों को मसल रही थी। मुबारक हो, अब हम चाहते हैं कि बस अदन और जैद की शादी पर सीरत और समान का निकाह काट दिया जाए ताकि समान सीरत के पेपर से बनाकर शादी होती है उसे अपने साथ लिया जाए। मिसेज असलम के बोलने पर सीरत ने बेबसी से सामने खड़ी अपनी माँ को देखा था। जैसे आप लोगों की मर्जी, रियान मुस्कुराते हुए बोलता और सब भी मुस्कुरा दिए थे, अब आपस में बातें कर रहे थे। मामा हम जाए, अदन ने हया से पूछा था जिसने सर हाँ में लाया था और फिर अदन ने सीरत का हाथ पकड़ा था और उसे भी अपने साथ बाहर लेकर गए थे। सीरत किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ जा रही थी, आंसू उसके गाल से बह रहे थे। रिलैक्स सीरत, अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा मेरी जान, रो मत, तुम रूम में जाओ मैं आती हूँ तुम्हारे लिए पानी लेकर, वो रोते हुए सीरत को ऊपर जाने का बोलकर किचन की तरफ गए थे। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको रोता हुआ देखे, इसलिए उसे ऊपर भेज दिया था। सीरत अपने रूम की तरफ जा रही थी कि सामने ही हाथी अपने रूम से बाहर निकल रहा था, रोते हुए सीरत को देखकर उसके पास रुक गया था। सीरत ने
उसे अपने सामने देखकर नजरों को उठाकर उसकी तरफ देखा था। मुबारक सीरत, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हादी सीरत की तरफ देखकर मुस्कुराहट के साथ बोला था, मेरी लाश देखेंगे जब आप मेरे निकाह वाले दिन, तो तब मुबारकबाद वसूल करिएगा आपको मेरी तरफ से। तो मैं मर तो जाऊंगी पर अपने साथ किसी और का नाम अपने नाम के साथ नहीं लगाऊंगी। सीरत उसकी तरफ देखते हुए आंसू को साफ करते हुए मुस्कुराई थी। बकवास बंद करो अपनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सुना तुमने, मुझे ना तुमसे कभी पहले प्यार था और ना ही अब है। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म हुई और अपने माँ बाप के लिए प्यार, तो दिन की अपनी फजूल की मोहब्बत के लिए ऐसा कुछ नहीं करोगी। हादी उसका पाजू पकड़ कर गुस्से से बोला था। हा हा हा, 2 दिन की मोहब्बत? हादी सच में आपको लगता है कि यह 2 दिन की मोहब्बत थी? सच में आप जैसा इंसान मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। आप जैसे बुजदिल इंसान से मोहब्बत करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और है। सीरत उसका हाथ जटाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती, सीरत तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, बेहतर है ये सब तुम्हारे लिए। हादी उसको देते बोल था, जो कि मसलसल रो रहे थे। सब समझ चुकी हूँ, आप कुछ नहीं, जरूर कोई और पसंद आ चुकी होगी, तभी तो इस तरह काढ़े है ना। हाँ, कोई और पसंद आ चुकी है और जल्दी मेरी जिंदगी में आ जाएगी। तुम्हारे बाहर जाने से पहले पहले मैं उसको अपनी लाइफ में लेकर आऊंगा। हादी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल था, जो कि हैरत से उसको देखी जा रही थी। मुबारक हो आपको आपकी नई पसंद। हाँ, मैं भी सोचूं कि मुझ जैसी कम सूरत का मक्कल आपको पसंद कैसे आ गई। आपका तो स्टैंडर्ड बहुत ही ऊंचा है। मैं तो बात इस्तेमाल के लिए थी ना, 2 दिन के दिल लगी के लिए। सीरत उसको देखते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोलती और जाने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। हाँ, तुम जैसी कम सूरत लड़की मेरी पसंद सच में नहीं हो सकती। बोर हो रहा था ना तो सोचा दिल लगी ही कर लो। हादी उसकी आंखों में देता बोलता, और हादी ही जानता था कि उसने ये लफाज किस तरह से अदा की है, वरना अपनी जान से अजीज सीरत के लिए इस तरह कहना उसके बस की बात नहीं थी। सीरत उसे नम आंखों से देती रही और फिर रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर वहां से भाग गए थे। हादी बस उसको जाता हुआ देखता ही रह गया था। अदन भी वहां पर आ गया थी, हादी के तरफ देखा था, जो कि अपने लब काटते हुए देख रहा था जहां से सीरत गई थी। अदन भी बिना हादी को मातब के वहां से जाने लगी थी। अदन तुम भी नाराज हो मुझसे? हादी जाती हुई अदन से बोलता, मुझे कोई भी हक नहीं है हादी, तुम सच में बुजदिल हो। तुमने एक दफा भी स्टैंड लेने की कोशिश नहीं की और आज वो बच्ची रो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से, और अगर उसने खुद को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो उसका जिम्मा तुम पर होगा। अदन एक एक लफ्ज चबाकर बोलते वहां चली गई थी और पीछे हादी बेबस था, बस देखता ही रह गया था। सब शादी कर रहे हैं तो क्यों ना शाजल लाला के लिए भी एक कड़वा करेला ढूंढ लिया जाए। ऐबर अपने रूम में थी, सामने ही अमल पैर बैठी थी, उसे बातें करते हुए बोलती। दरवाजा खुला हुआ था और वहां से गुजरते शाजा ने उसकी आवाज सुन ली थी। उसके कमरे में दाल हुआ था और ऐबर की उसकी तरफ पूछ थी, इसलिए वो शाजा को नहीं देख पाए थे, पर अम्मल ने उसको देख लिया था। वैसे अम्मल जिस तरह की वह कड़वी है ना, इस तरह की वो उनकी कड़वी सी बीवी होनी चाहिए, वरना तो वो किसी सीधी शादी को ही कच्चा ही चुबा चुपा कर खा जाएंगे। ऐबर ने बोलते हुए जब अमल के इशारा करने की तरफ देखा तो अपना हल्क तार करते मुड़ कर देखा था। अपने पीछे शाजा को देखकर ऊपर के सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गए थे। अस्सलाम वालेकुम शाजा लाला, अभी वो लाला बोलती कि शाजा की घुड़ी पर जुबान को दांतों में दबा गए थे। अस्सलाम वालेकुम शाजा लाला, मैं मामा की बात सुन लो, वो मेरा इंतजार कर रही होंगे, अमल बोलते वहां से भाग गए थे। मुझे भी मामा बुला रही है, मैं भी उनकी बात सुनकर आई, ऐबर भी बोलते हुए भागने लगी थी, पर शाजा ने उसके आगे खड़ा हो गया था। क्या बोला तुमने अपनी जुबान से, फिर से बताना मुझे। शाजल उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोलता, मैं अभी सुन लूँ कि किस तरह की लड़की होनी चाहिए मुझ जैसे कड़वे करेले के लिए। शाजल आईब्रो उठाकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था, जो कि उसके आगे बढ़ने से पीछे कदम लेते हुए दीवार से जा लगे थे। आप तो अच्छे हैं ना, मुझे तो बहुत ही पसंद है आप लिए तो कोई भी नेक सिरत नेक प्रवीण ढूंढ कर लेकर आऊंगी मैं। ऐबर अपना हल्क तार करते हुए उसकी तरफ देखते बोलते, मुझे कोई नेक प्रवीण नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो ऐबर अहमद शाह चाहिए, वो मुझे पसंद भी है। शाजल दीवार पर हाथ रखकर उस पर झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोलता। ऐबर ने फटी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा था, जो कि अपनी बात बोलकर अब मुस्कुरा दिया था। शाजल वो अभी बोलती कि शाजल ने उसके बाप काट दिए थे। इस जुबान से जब भी लाला निकलता ना मेरे लिए, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी जुबान काट कर कुत्तों को खिला दूं, शाजल सख्त लहजे में बोलते हुए उसकी तरफ देख रहा था, जिसकी आंखें उसके बोलने पर होप से फैल गए थे। आइंदा एहतियात करना, वरना ऐबर अहद शाह मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे सारे फैसले और हक मेरे बहुत जल्दी मेरे नाम करने वाला हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ शाजल अली शाह की हो, सिर्फ मेरी, और जो मेरा होता है ना उसके हर फैसले पर मामले में और हर मामले में सिर्फ मेरा एहतियात होता है, सिर्फ मेरा, शाजल शाह का। उसके चेहरे पर आईवी लिड को कान के पीछे करते हुए बोलता। ऐबर ने पीछे होने की कोशिश की थी, पर पीछे दीवार थी। ऐबर को घबराहट में देखकर शाजल मुस्कुरा दिया था। जल्दी तुम्हारे कड़वे करेले को उसकी स्वीट चॉकलेट मिलने वाली है, शाजल उसकी तरफ देखते हुए आंखों में शरारत लिए हुए बोलता, पर तुम्हें बताऊंगा कि कितना कड़वा हो
और ये भी तुम्हें बताऊंगा कि तुम कितनी मीठी हो। वो उसके गाल को अपना अंगूठा फेर कर बोला था, मामा। एबर के बोलने पर शाहजादा ने पीछे देखा था और तभी एबर ने उसको दिक्कत दिया था और बाहर भाग गए थे। पीछे शाहजादा उसको जाता हुआ देखकर मुस्कुरा दिया था और मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बाहर निकल गया था। एबर दौड़ते हुए सीरत के रूम में गई थी जहाँ पर सीरत अदन के साथ लगी हुई थी, रो रही थी और एबर उसको देखते हुए उसकी तरफ बढ़े थे। अपो, उसने क्यों किया मेरे साथ इस तरह? पहले ही मुझे अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहते थे, मेरे दिल में मोहब्बत भराकर, अब मेरे साथ खड़ा ही नहीं हो रहा। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा मेरा साथ दे देते, मैं सबसे लड़ जाती, सबसे लड़ जाती। अब मैंने देखा था सीरत अदन के साथ लगी हुई रोते हुए बोल रही थी, मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी, बुजदिल हैं वो, बुजदिल हैं वो। वो सबसे बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कुछ कर लूंगी अपो, पर किसी और के नहीं हो सकती। हिचकियों से रोते हुए बोलती, क्या हुआ है सीरत आपको, आप क्यों रो रही हैं, प्लीज चुप कर जाए। एबर उसको रोता हुआ देखकर बोलती, एबर देख, कभी किसी से भी प्यार मत करना, किसी पर भी यकीन मत करना, सब झूठे होते हैं, सब लड़के झूठ बोलते हैं। प्यार का नाम लेकर पहले फंसाते हैं और जब हम उन पर से प्यार करने लगते हैं ना, हमें बीच राह में छोड़ जाते हैं, सब झूठ। सीरत पागलों की तरह एबर से रोते हुए बोलती, बस करो सीरत, संभालो खुद को। अदन उसको अपने साथ लगाकर उसके आंसू साफ करते हुए बोले थे। एबर परेशानी से उसको देख रही थी और अपनी सोच के मुताबिक नतीजा आहस का लिया था जो कि आइंदा जाकर उसकी ज़िंदगी में हलचल मचाने वाला था। प्यार, धोखा, सब फ्रेप है, मतलब सब झूठ बोलते हैं। शाजर भी झूठ बोल रहा है, वो भी फ्रेप दे रहा है, वो भी इसी तरह करेगा। एबर खुद की सोच के मुताबिक उसे मुहातब थी, मतलब कि मैं उनको तंग करती हूँ तो कहीं वो बदले के लिए मुझसे प्यार का नाटक तो नहीं काढ़े और वे मुझे इस तरह रोता छोड़ जाएंगे। एबर सामने रोती हुई सीरत को देखकर सोच रही थी और वहीं पर अदन के पास बैठ गए थे। सीरत, आप मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, आप मत रोएं। एबर भी उसके साथ लग गए थे। अंस, क्या कर रही हैं आप, यार छोड़े मुझे, जरा भी शर्म नहीं आपको कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं? हया अलमारी का दरवाजा बंद करते अंस को खुद से पीछे करता हुआ बैठे, जानम खुदा का खौफ करो, अभी तो हम जवान हैं और अभी तो ठीक से दिन मिले हैं ना एक दूसरे की संगत में गुजारने को। अंस हया की कमर के गिर्द अपना हाथ रखते हुए उसे खुद के करीब करते हुए बोला था, उफ, जितनी आपकी उम्र बढ़ी है ना इतनी आप वाहियात होते जा रही हैं। हया मुस्कुराते हुए अंस से बोली थी जो उसके बालों पर अपना मुंह दिए हुए था। वाहियात नहीं, रोमांटिक बोले जानम, और हम तो आपके इश्क में पागल हो चुके हैं। उसके नाक पर अपने लब रखते हुए बोलता अंस, प्लीज मत करे ना। उसके होंठों को अपने गर्दन पर महसूस करते हुए बोलते, जब सब बच्चों की शादी हो जाएगी ना, हम हनीमून ट्रिप पर चलेंगे हया, और फिर बहुत ही लंबा अरसा वहीं पर गुजारेंगे। अंस हया के गाल पर अपने होंठ रखते बोलता, हाँ मेरा भी मूड है, बस अल्लाह मेरे सारे बच्चों को खुश और मुतमिन रखे अपने अपने घरों में। हया मुस्कुराते हुए अंस की तरफ देखकर बोलती जो उसी की तरफ देख रहा था, अंस सोचना भी मत। हया उसको देख उसकी खुद की तरफ झुकते हुए देखकर बोलती, पर अंश की उसके सारी मजम्मत फरमोश करते उस पर काबू हो चुका था। दूर कहीं किस्मत अपनी सोच पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि होता वही है जो हमारी किस्मत में लिखा हो, बस दुआएं मुकद्दर बदल देती हैं, पता नहीं सबके मुकद्दर में क्या क्या लिखा हुआ था। रायम, आज से 4 साल पहले भी तुम्हारी वजह से मुझे टेंशन हुई थी और अब फिर से तुमने अदन को तंग करना शुरू कर दिया। एक तो वाजब कोई भी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं करते, हिबा माजी के सोच में कहीं गुम थी, और आज जहाँ से 4 साल पहले भी रायम की आंखों में उसने अदन के लिए जुनूनियत देखी थी और फिर से उसके लिए यह सब, हिबा के दिमाग में हतरे की घंटी बजी थी। माजी, वाजब मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे रायम की हरकतें ठीक नहीं लगती, उसका एक भी काम ठीक नहीं है। हिबा फोन पर वाजब से बात करती, क्या हो गया हिबा, पहले तुम रायम को यहाँ से पाकिस्तान लेकर गई हो, वहाँ उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी, अभी एक दिन तुम्हें यहाँ आए हुए हुआ है और तुम्हें फिर से रायम पर शक हो रहा है। वाजब चेयर पर जुड़ते हुए अपनी बीवी के पापा मुस्कुराहट के साथ ही बोला था, उफ वाजब, आपका बेटा आधा पागल कर चुका है मुझे, 16 साल का लड़का मेरा दिमाग खराब कर चुका है, अल्लाह ने इतनी मुश्किल से मुझे दिया है रायम, वरना अपनी पहली औलाद खोने के बाद मैं तो नाउम्मीद हो चुकी थी। सब्र रखें हिबा, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, वाजब से समझाते हुए बोलता। और वाजब, जो आज पहले ही दिन में उसकी आंखों में अदन के लिए जुनून देखा था, मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है, आप फिक्र मत करें, वो बस आपका ख्याल होगा, सब बेहतर होगा, छोड़ दें इस टॉपिक को, और सुनाएं आप ठीक है ना। वाजब हिबा का मूड बहाल करते हुए बोला था, जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं, खाना खाते हैं ना। हिबा वाजब की बातों में आकर अब रैम के टॉपिक को बंद कर चुकी थी और दोनों ही अपनी बातें करने लगे थे। रैम जो कि बाहर खड़ा सब सुन रहा था वापस लौट गया।